हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक रिवीजन सीरीज। मुझे पता है बच्चे आप लोगों के प्रीलिम्स चल रहे हैं एंड अगेन सेम मैसेजेस आर कमिंग कि मैम पूरा बुक एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज नहीं होता, कुछ ना कुछ चैप्टर्स छूट जाते हैं, समझ में नहीं आता है, समझ में आ जाता है तो हम एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हैं, एग्जाम में चीज़ें याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रीति सोनी आप सभी के साथ ओनली लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक की रिवीजन सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट डिटेल में आपको लर्न करवा के, समझा के, प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बच्चे बस आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे मेरे साथ पढ़ना है, उतने एफर्ट्स अब आपको भी आपके साइड से लगाने हैं। ऑल राइट, एग्जाम सिर पे है, चलो स्टार्ट करें फिर हम लोग हमारे इकोनॉमिक का रिविजन। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैम ये टर्म तो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया था, माइक्रो मैक्रो तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की स्टडी करना, इंडिविजुअल सेलर की स्टडी करना, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग्स, ठीक है, इन सब की स्टडी करने को माइक्रो बोला जाता है। और ठीक दूसरी तरफ हम अगर एग्रीगेट्स ऑफ फर्म, एग्रीगेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, हम लोग यहाँ पे पूरे नेशन की नेशनल इनकम देखते हैं, पूरे नेशन की इनकम देखते हैं, पूरे इंडिया की टोटल सेविंग्स देखते हैं, ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो इनकी स्टडी करने को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैम ये टर्म तो हमें अच्छे से पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल और मिलियन पार्ट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो, जिसका मतलब होता है लार्ज एग्रीगेट। ये तो हमें पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि ये दोनों टर्म किसने लेकर आए, कौन, किन्होंने टर्म बताए हमें, रेगनार फ्रिस्क, जो कि नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी के 1933 में उन्होंने हमें ये टर्म्स दिए हैं। इन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में 1969 में, इन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज, देखो 1933 में इन्होंने कॉइन किया है ये टर्म्स, ठीक है, हमें इन्होंने माइक्रो और मैक्रो ये दो टर्म्स बताए हैं, और 1969 में इन्हें ये नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है, ओके। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स और कुछ स्टैटिस्टिक्स, जो अपना स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज किया है हमारे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक के कुछ डेटाज और कुछ थ्योरीज में इन्होंने अपने मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज किया है। ठीक है, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें ये बताया कि भाई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर फर्म की स्टडी करने को ही माइक्रो बोला जाता है और पूरे लार्ज एग्रीगेट की स्टडी करने को मैक्रो बोला जाता है। मैम ये तो हमें पता है, बट ये किसने बताया है हमें, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिस्क इन 1969 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। पायनियर किया है उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल और कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वगैरह इन्होंने कुछ यूज किए, और इन्होंने इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूसर की स्टडी को माइक्रो बताया है, और लार्ज एग्रीगेट की स्टडी करने को इन्होंने हमें बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ऑल राइट, ये जो पैराग्राफ है आप लोग हर एक आंसर में लिख सकते हो, अगर आपको स्कोप ऑफ माइक्रो पूछा है लिख सकते हो, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है, ये पैराग्राफ लिख कर आओ, एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स ऐसे बढ़ते हैं जब आप टेक्निकल कंटेंट रिलेटेड चीजें लिखते हो ना, तब आप, बाकी बच्चे क्या करेंगे पता है क्या, बाकी बच्चे ये वाला आंसर लिखेंगे कि डील्स विद स्मॉल पार्ट, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करने को माइक्रो बोलते हैं, और ट्री की स्टडी करना, फॉरेस्ट की नहीं, इसको माइक्रो बोलते हैं, ये सब लिखेंगे वो लोग, बट वो लोग इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम तो ये भी लिखेंगे और ऊपर का पैराग्राफ भी लिखेंगे। ऑल राइट, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी अगर आपको कुछ बताने बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट बोल रहे हैं, लिख के आओ ये पैराग्राफ, माइक्रो का शॉर्ट नोट बोल रहा है, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आप इस चैप्टर के हर एक आंसर में छाप सकते हो। ऑल राइट, चले बढ़ू आगे, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, जो आप बच्चे छोड़ के जाते हो, प्योर इंटेंशन होता है कि मैम ये वाला पार्ट तो हम नहीं पढ़ने वाले, तो यही पार्ट मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अच्छी तरह से और लर्न भी करवाने वाली हूँ। चलो, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू बच्चे बहुत ईजी है, सबसे पहले माइक्रो ही आया होगा, ठीक है,
और ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत पुराना अप्रोच है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद में वो एडम स्मिथ, जेएस मिल याद है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड बोला, उन्होंने बोला कि इकोनॉमी जो है इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, वेल्थ पूरे पैसे पैसे के लिए वेल्थ की स्टडी करना, जिन्होंने बताया कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करें अभी हम लोग। इट वॉज डेवलप्ड फर्स्ट एंड इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किया गया था और ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, इजी लाइन है, लर्न हो जाती है। इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मतलब 18th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट है, 18th सेंचुरी के जो इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ एंड प्रोफेसर जे एस मिल, वहां से इनका ओरिजिन हम लोग देख सकते हैं। इट वॉज पॉपुलराइज बाय, कौन पॉपुलराइज किया था इन्हें, अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ के बाद में कौन था, अल्फ्रेड मार्शल ही तो थे जिन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी कि क्या पापा आप सिर्फ पैसा पैसा करते हो, थोड़ा भलाई के बारे में भी तो सोचो। याद आ रहा है वो डायलॉग, नहीं भी याद आ रहा है तो एडम स्मिथ जो थे ना उन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये तो सभी को पता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। तो इन्होंने ना सिर्फ और अपने घर के पापा, जो अपने पापा लोग होते हैं वो सिर्फ पैसा पैसा करते हैं, वेल्थ, ठीक है, खर्चा मत करो, ये मत करो। फिर आए हैं अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने बोला है कि क्या पापा आप सिर्फ पैसे पैसे करते रहते हो, थोड़ा तो वेलफेयर, हमारी भलाई के बारे में भी तो सोचो। समझ में आ रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलराइज किसने किया है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मतलब 19th सेंचुरी के जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने अपनी बुक लिखी है, फेमस बुक है उनकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को और पब्लिश किया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक बुक्स वॉज पब्लिश इन 1890, ईयर याद रखना, जो ईयर मैं आपको करवा रही हूँ इट इज रेलिवेंट, उतना पार्ट आप मेरे साथ में लर्न करोगे, ठीक है। ऑलराइट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक्स कभी पब्लिश हुई थी, इन 1890, कब पब्लिश किया था, 1890। और अल्फ्रेड मार्शल को रियल आर्किटेक्ट बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का रियल आर्किटेक्ट, मतलब इन्होंने ही बेस फाउंड किया था, एक फाउंडेशन। आर्किटेक्चर लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन का काम करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेस, इकोनॉमिक का बेस इन्होंने फाइंड आउट किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, को रियल आर्किटेक्ट बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने फॉर्म किया है। और अदर इकोनॉमिक्स भी हैं जैसे कि प्रोफेसर सैमुएलसन, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सिर्फ तीन नाम ध्यान रखें, एडम स्मिथ तो याद अपने आप हो जाता है, अल्फ्रेड मार्शल भी 11th स्टैंडर्ड के हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड वाले डेफिनेशन दिए उन्होंने, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, यार एक ही तो नाम लर्न करने बोल रही हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को, कितना इजी आंसर है, क्यों छोड़ के जाना है फालतू, आगे तो फिक्स मार्क्स का आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब आपको एक बात बोलूं, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के पहले से भी था, हम क्या बात करो, यस इट एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो पास्ट में भी था, माइक्रो के पहले से मैक्रो था, ठीक है, माइक्रो के पहले से मैक्रो था। 16th, 17th और 18th सेंचुरी में मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करके, सोचो ना 16th, 17th, 18th सेंचुरी में, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो माइक्रो की डेफिनेशन है एडम स्मिथ वगैरह ये लोग तो 18th सेंचुरी के हैं, 16th, 17th उससे भी पहले गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बना के देता था, इकोनॉमिस्ट बना के देते थे, कौन, किसके हिसाब से, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच यूज करके, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के पहले से था, 16th और 17th सेंचुरी से था, ठीक है। इट वॉज यूज टू एडवोकेट द पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बना के देने का काम करते थे। इवन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना हमारे, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी थे, अब थ्योरीज कौन देगा, क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज कौन देगा, ऑब्वियसली गाइस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देंगे, तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज है किन की, एडम स्मिथ की, जे एस मिल की, उन्होंने भी नेशनल इनकम एंड वेल्थ पे को डिटरमाइन किया है, उन्होंने भी नेशनल इनकम एंड वेल्थ को डिटरमाइन किया है। लेकिन उन्होंने जो, देखो ना, नेशनल इनकम यहाँ पे अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि नेशनल, पूरे इंडिया की जब हम इनकम, पूरे नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो कौन सा टॉपिक है, इंडिविजुअल इनकम क्या है, माइक्रो सब्जेक्ट है, तो नेशनल इनकम क्या हो गया, मैक्रो, ठीक है। तो नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ को डिटरमाइन करना
एडम स्मिथ ने अपनी खुद की थ्योरीज में भी बताया है, समझ रहे हो। लेकिन जो उनका एनालिसिस था, मैक्रो एनालिसिस, वो कुछ कॉम्बिनेशन था, मैक्रो एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस का ना कॉम्बिनेशन था। जो एडम स्मिथ ने जो एनालिसिस दी है ना नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ की, वो एनालिसिस माइक्रो एनालिसिस से कुछ कंबाइंड थी, कुछ मिलती जुलती थी। तो इसलिए द माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन 1930। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 1930 तक, ग्रेट डिप्रेशन 1930 तक चला। मैम ग्रेट डिप्रेशन मतलब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उस टाइम पे वर्स्ट इकोनॉमी में डाउन टर्न था, इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हुई थी, अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हुई थी। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गया था, ठीक है। बहुत सारे, अब स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, उनका पूरा पैसा डूब गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, अमेरिका की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था। वहां के जो बैंक्स है, अप्रॉक्स 50% जो भी बैंक्स थे अमेरिका के, हाफ ऑफ द बैंक्स वर फेल्ड, वो पूरे बैंक्स वहां पे फेल्ड हो गए थे, ठीक है। तो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, मेनार्ड केन्स ने अपनी एक फेमस बुक पब्लिश की है। उस बुक का नाम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था ना, तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट, अब बैंक में पैसे नहीं थे, बैंक फेल हो गई थी, तो मनी एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक उन्होंने पब्लिश की। लर्न हो रहा है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। हमें सिर्फ को रिलेट करके इस तरह से हमें आंसर्स को ध्यान में रखना है कि हम हमारा आंसर एग्जाम में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए, बस और कुछ नहीं। तो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, ग्रेट डिप्रेशन के बाद मेनार्ड केन्स ने अपनी फेमस बुक पब्लिश की, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, EIM, बच्चे उल्टा मत लिखना, बुक का नाम है, ठीक है, EIM, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ओके, यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक का अप्रोच यूज करके ना केन्स ने इकोनॉमिक एनालिसिस की, इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स की एनालिसिस की है। और जो मेन क्रेडिट जाता है मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने का, मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने का जो मेन क्रेडिट जाता है, वो जाता है लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स को इसका क्रेडिट जाता है। जो मेन क्रेडिट जाता है डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो जाता है लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स को। ऑलराइट, ठीक, चलो फटाफट से एक बार हिस्टोरिकल रिव्यू वापस से रिवाइज करें क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, फटाफट से देखना है यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बताया था, सबसे पहला अप्रोच है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट डेवलप हुआ था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, सबसे पुराना अप्रोच है। इसका जो ओरिजिन है, हम लोग 18th सेंचुरी से, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के टाइम से हम देख सकते हैं। पॉपुलराइज किसने किया है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने किया है, जो कि अल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश की थी 1890 में, ठीक है। वहां पे उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत वहां पे जिक्र किया, और इन्हें हम लोग रियल आर्किटेक्ट बुलाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रियल आर्किटेक्ट बुलाते हैं, ऑलराइट। और पॉल सैमुएलसन ने भी डेवलपमेंट किया है माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच में, ठीक है। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो में क्या बोलोगे, ये पहले से था, माइक्रो इकोनॉमिक के पहले भी मैक्रो था, माइक्रो इकोनॉमिक के पहले भी मैक्रो था, 16th-17th century। 18 तो पता है, 18 में तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। 16th और 17th century में भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज सजेस्ट करने का काम किया जाता था, इट वॉज यूज टू एडवोकेट द पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इवन जो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज थी, किसकी, एडम स्मिथ और जेएस मिल की, उन्होंने भी डिटरमाइन किया है नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ डिटरमाइन किया है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये दोनों एनालिसिस को कंबाइन कर दिया, और यही एनालिसिस चलती रही, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस चलती रही ग्रेट डिप्रेशन 1930 तक। और उसके बाद में लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने हमारे अब एक बुक पब्लिश की है, जनरल थ्योरी ऑफ EIM, एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड मनी, ठीक है।
लर्न करते वक्त इसी शॉर्टकट से लर्न करो, फटाफट से लर्न होगा, ठीक है। यस, मैं आपको पूरे शॉर्टकट टेक्निक, मेमोरी टेक्निक सब देने वाली हूँ, ठीक है, बट एग्जाम अच्छे से लिख कर आना एंड मुझे याद रखना, ठीक है। एंड यूजिंग द इकोनॉमिक, यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच, केन्स ने क्या किया, उन्होंने एनालाइज किए हैं इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स एंड क्रेडिट, जो मेन क्रेडिट है फॉर द डेवलपमेंट गोज टू मेनार्ड केन्स। मेन क्रेडिट, मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच का मेन क्रेडिट किसको जाता है डेवलपमेंट का, मेनार्ड केन्स को। ऑलराइट, आई होप बच्चे आपको मेरे साथ साथ आंसर्स लर्न हो गए होंगे अभी। अब बस घर में 5 मिनट इसे रिवाइज करना है आपको, ये सारे नोट्स, रिविजन नोट्स सब चीज मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है, चिंता मत करो, बस बने रहिए लेक्चर्स के साथ। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।